हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिफरेंट पोट्री व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं एक भैया के पास, जो कि हमें बताएंगे कुछ पोट्री रिलेटेड चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा रहा, और धूप भी काफ़ी हो रही है। तो हम चलते हैं भैया के पास और पूछते हैं वो क्या बनाएंगे आज। हेलो भैया, भैया पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोलू है, गोलू प्रजापति। ओके, तो हम भैया से पूछते हैं कि वो आज क्या बना रहे हैं। तो भैया आप क्या थोड़ा हमें बताएंगे कि आज आप क्या बना रहे हैं? हाँ, मैं बनाऊंगा मोमबत्ती स्टैंड। हाँ जी, ये किस काम के लिए आते हैं? ये इसमें मोम पिघला के और इसमें मोमबत्ती के रूप में, मतलब मोमबत्ती स्टैंड है, मोमबत्ती स्टैंड है जिसमें मोमबत्ती का मतलब जोड़ा जाता है, जलाया जाता है उसे। हाँ, जलाया जाता है। हाँ, और किस किस काम आते हैं? और ये इसमें जन्माष्टमी होती है। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण जी का जन्मदिन होता है। हाँ, मक्खन मिश्री का प्रसाद बांटा जाता है। हाँ, तो जैसे कि भैया ने बताया है, ये दो अलग अलग चीजों के लिए काम आता है। तो अब भैया बताएंगे कि कैसे बनाते हैं ये। ये देखिए भैया कैसे चाक चला रहे हैं। ये चाक हर कोई नहीं चलाता है, ये चाक दम से नहीं चलता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है। इसको सीखने में भी काफ़ी साल लग जाते हैं। और ये आप जो मिट्टी देख रहे हो, ये बहुत चिकनी है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बना रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसको बनाना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, तो भैया आप हमें एक बात बता सकते हैं क्या? हाँ, ये भैया आप कहाँ का सप्लाई करते हो आप? ये जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर आदि जगहों पे। और अन्य राज्यों में? अन्य राज्यों में तो जैसे कि गुजरात है। हाँ, हैदराबाद है, हरियाणा है। अच्छा अच्छा है। तो जैसे भैया ने बताया कि ये अलग अलग जगह सप्लाई की जाती है, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, दौसा, अन्य डिस्ट्रिक्टों में, और बता रहे हैं कि ये अलग अलग स्टेट्स में भी सप्लाई की जाती है, जैसे कि गुजरात, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, और सबसे ज़्यादा सप्लाई ये जहाँ की जाती है उस मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश, जहाँ जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, तो वहाँ पे इनमें मक्खन मिश्री का प्रसाद बांटा जाता है काफ़ी मात्रा में, और ये यहाँ से काफ़ी मात्रा में सप्लाई की जाती है वहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ज़्यादातर 5-स्टार होटल्स में भी यूज़ ली जाती है फॉर डेकोरेशन। इन होटलों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, और ये जब इनमें कैंडल जलती है तो ये काफ़ी सुंदर लगती हैं, जैसे कि हम अपने घरों में भी इन्हें यूज़ ले सकते हैं। जैसे जिस प्रकार हम चाइनीज़ लाइट का प्रयोग करते हैं, अगर यूज़ कर सकते हैं, जिस प्रकार हम चाइनीज़ लाइट लाते हैं और उससे घर डेकोर करते हैं, उसी प्रकार अगर हम इसमें मोम डाल के और इसका यूज़ एज अ कैंडल करें, तो इससे हमारे घर की शोभा अलग ही बढ़ जाती है, और जो भी लोग देखने वाले होते हैं उन्हें भी काफ़ी प्रभावित करती है ये चीज़ें। तो भैया क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये आप मिट्टी कहाँ से लाते हैं और ये कैसे बनती है? मिट्टी तलाई में से ले के आते हैं। हाँ जी, और इसको तैयार करने के लिए कम से कम 3 दिन का टाइम तो लगता ही है। इसको ला के नहीं, जब इसको सुखाते हैं मिट्टी को, तो हाँ, इसको सुखा के जब इसको डंडे के रूप में, मतलब कोई ऐसी कोई चीज़ है उससे, मतलब इसको फोड़ के, मतलब बारीक करते हैं, बारीक करके जब एक कम से कम 4-5 फीट का खड्डा होता है। हाँ जी, उसमें 5 या 6 बाल्टी पानी डाले जाता है, तो उसमें जब मिट्टी को भिजोते हैं, मिट्टी को भिजो के जब इसमें चारनी के रूप में इसको छाड़ा जाता है मिट्टी को, जब इससे क्या जो नीचे जो मिट्टी के कांकरे होते हैं ना, जो तो बाहर निकाल लेते हैं चावल। हाँ, हाँ, जब ये साफ साफ मिट्टी रहती है, बिल्कुल चीकनी मिट्टी जो बह जाती है नीचे, जब हाँ, इसको मतलब 4-5 घंटे बाद में जब उस खड्डे में से
बाहर निकाल देते हैं। जब जब ये टाइट पड़ जाती है, जब इसके गोंदे बना लेते हैं, गोंदे बना के ही जब इसको काम में ले लेते हैं। ओके, जैसे कि भैया ने बताया कि एक मिट्टी को तैयार करने में कितने दिन लग जाते हैं, ये तो सिर्फ भैया ने हमें बताया। अगर आप इसको रियल में देखोगे ना, तो इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस है। उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें कैसे बनती है हमें आप हम आपको वो बताएंगे। तो भैया आप हमें ये बता सकते हैं कि ये कला आपको आपने कैसे सीखी, इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं कि आप? हाँ, बोलते बोलो। पहले हमारे बड़े बूढ़े ने भी यही काम किया था, जब हमारे पिताजी ने भी यही काम किया था। हाँ जी, जब उनके साथ हम भी काम में हाथ बटा लेते, जब हम भी देख के करने लग गए काम, जो साल या डेढ़ साल में हम भी सीख गए हैं। भैया आप क्या आपको सच में साल और डेढ़ साल लगा था इस काम को सीखने में? हाँ हाँ, मतलब भी हर कोई नहीं कर सकता इस काम को? नहीं नहीं, हर एक आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आप जो चाक देख रहे हो, इसे चलाने में आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, और ये जो चिकनी मिट्टी है, ये मतलब कितनी सुंदर लग रही है, इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। धन्यवाद भैया आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। ओके भैया, थैंक यू। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ कमी रही तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।